नमस्कार। आज का रेसिपी पानी पूरी, वो भी होममेड बिना तेल के और माइक्रोवेव में। कैसे बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पानी पूरी खाने के लिए मैंने आलू बॉयल करके सान के रखा, हरी मिर्ची काट के रखा और प्याज भी काट के रखा, धनिया पत्ता काट के रखा, इमली की खट्टा पानी भी तैयार करके रखा। तो देखते रहिए, ये मैं मुंह में डाल लेती हूँ और आप लोगों का इंतज़ार नहीं कराऊंगी, रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए, लाल चना भी बॉयल करके रखी थी और लाइलन सेव, वो तो बाजार से मिल जाता है बारीक वाला सेव, उससे भी ला के रखी थी। ये रहता है हमारे घर में, कभी वो भेल पूरी बनने के लिए लगता है। ये तो था लास्ट, ये शुरू से दिखा रही हूँ। मार्केट से खरीदा हुआ ये पानी पूरी का पापड़ मिलता है पैकेट में, घर पे भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन ये खरीदा हुआ, घर का बना हुआ नहीं है, रेडीमेड। तो अब इसे माइक्रोवेव में कैसे बनाऊंगी वही दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैन स्विच ऑन कर दिया, अब माइक्रोवेव का डोर ओपन कर दिया, इसमें रख देती हूँ डायरेक्ट इसी ट्रे पे, एक एक करके ये पापड़ को, पानी पूरी पापड़ को थोड़ा सा गैप रखते हुए एक एक करके रख देती हूँ, क्योंकि फूलेगा। एकदम चिपका के नहीं रख रही हूँ, और इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं लगाया, तेल भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं लगाया। बिना तेल के बनाऊंगी तो बिना तेल के ही बनाऊंगी। आज पहली बार बना रही हूँ और पहली बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी स्टार्ट कर दिया, ये देखिए ऑन कर दिया, इसमें टाइमर लगा हुआ है, 30 सेकंड था, तो 30 सेकंड में हो जाएगा पानी पूरी। ये देखिए फूलना चालू हो गया, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। ये देखिए सारे पानी पूरी फूल गया, बाहर से तो दिख रहा है, और ये देखिए टाइमर बंद हो गया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया, गर्म बहुत है, मैं थोड़ा इंतज़ार करके निकाल लिया। आप लोग चाहे तो ग्लव्स पहन के निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना कड़क है और एकदम क्रिस्पी लग रहा है। तो एक प्लेट हो गया, अब मैं इसे प्लेटिंग कर देती हूँ। एक प्लेट दही पूरी बनाऊंगी और बाकी पानी पूरी। ये देखिए सारे इंतजाम करके रखी थी, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, और ये दही पूरी के लिए दही सब कुछ तैयारी करके रखी थी। आलू भी बॉयल करके रखी, और इधर इमली भी एक कप में गर्म पानी में भिगा के रखी थी। ये देखिए इसे ठंडा हो गया, अभी इमली का खट्टा पानी बना लूँगी। तो पानी पूरी बनाने के लिए, और दही पूरी के लिए तो खट्टा पानी नहीं चाहिए, तो मेरे पास मीठा चटनी आज नहीं है, तो इसी का ही थोड़ा पानी दे दूँगी दही पूरी में। ये देखिए बहुत इजी है घर पर पानी पूरी बनाना, और जितना चाहे खा भी सकते हैं, और अनहेल्दी भी नहीं है, इसमें बिल्कुल तेल नहीं है, और पानी भी घर का ही है। इमली का बीजा को निकल के फेंक दिया, और इसमें प्लेन ड्रिंकिंग वाटर मिला देती हूँ। अब इसमें दे दिया काला नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक देना है, और दे दूंगी थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा शक्कर। ये देखिए चाट मसाला दे देती हूँ, तो नमक हिसाब से देना है, चाट मसाले में बहुत सारा नमक रहता है, और मिला लिया, बस शक्कर भी डाल दिया, टेस्ट करके देख लेती हूँ। हाँ बहुत अच्छा हुआ है। इमली का पानी में शक्कर देने के टाइम कैमरा बंद था लगता है, ठीक है, आप लोग हिसाब से डाल दीजिएगा। और मैंने ये पानी पूरी एक बना के खा लेती हूँ, देखते रहिए साथ में रहिए, उसके बाद दही पूरी बनाऊंगी। एक पानी पूरी ले लिया, अब इसमें दे देती हूँ थोड़ा सा आलू,
तीन चार टुकड़ा कटे हुए हरी मिर्ची, थोड़ा सा प्याज कटे हुए और थोड़ा सा धनिया पत्ता, बॉयल किया हुआ थोड़ा सा चना भी डाल देती हूँ। दुकान में जैसा देता है पानीपुरी स्टॉल में। और थोड़ा सा बारीक सेव भी दे दिया। अब इसमें इमली का पानी भर दूंगी, एक चम्मच इमली का पानी इसमें डाल देती हूँ। रेडी हो गया ना, ये देखिए लग रहा है ना बाजार जैसा, बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी था। मैं खा के उसके बाद ही भाज दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर, देखने में जितना सुंदर खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी। और ये एक प्लेट बना देती हूँ दही पूरी। दही पूरी मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, वो खट्टा पानी ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके वो जो चना प्याज सब कुछ डाल दिया और खट्टा पानी के बदले में दही डाल दूंगी। देखते रहिए, साथ में रहिए। हो गया पानीपुरी। पानीपुरी बनाना कितना इजी है, और वो भी ऑयल फ्री माइक्रोवेव में कैसे बनाते हैं वो भी दिखा दिया। एक दिन मैंने मुरमुरा जैसा बनाते हैं ऐसे बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिसका घर में माइक्रोवेव नहीं है उनके लिए आसान होगा, उसी तरीका से बना के दिखाऊंगी बिना माइक्रोवेव में बिना तेल में। तो कैसा लगा ये रेसिपी? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। पानीपुरी सबको पसंद है, एक बार बना के ट्राई करिए। जिनका घर में माइक्रोवेव है वो तो बना ही सकते हैं। तो कैसा लगा और एक बार पूछ रही हूँ, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। इतना टाइम साथ में रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।